हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हनीन पैलेस फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं सब? मेरी दुआ है कि सब ठीक ठाक हो। एंड फ्रेंड्स, माशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग हो गई है, मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। हिबा भी रेडी हो गई है। एंड हिबा, आज ना आपने अपना समर पैक क्लास में चेक करवाना है टीचर को। ओके, अब हिबा अंकल आने वाले हैं, अब ये चीज़ें वाइंड अप करें, रख दें इनको, बैग पैक करें अपना। एंड फ्रेंड्स, मैं भी देख लूँ, ये ना हो कि मैं स्कूल जाके परेशान हो जाऊँ। ये हिबा का लंच वगैरह बोतल वगैरह रखी हुई है। हिबा की ये फ्रेंड्स बोतल कल मैंने ढूंढ के निकाली है, हिबा मैं पीछे पड़ गई थी, मैं रख के भूली हुई थी कि मैंने कहाँ रखी है कहाँ रखी है, लेकिन फाइनली कल मिल गई थी हमें। एंड जी लंच देखना, ये हिबा की चीज़ भी रख ली है। एंड ये मेरा बैग है, बस मैंने अपना मोबाइल रखना है इसके अंदर। अंकल भी बस आते ही होंगे, टाइम तो पूरा हो गया माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अभी मैं और हिबा जा रहे हैं स्कूल, एंड वापस आके व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्कूल से घर आ गए थे, हिबा और मैं। एंड हिबा तो सो गई थी, लेकिन आज मैं नहीं सोई। ऐसे हुआ कि लेटी हूँ, लेट के मैंने टिकटॉक वगैरह देखनी शुरू कर दी। एक तो वो इंडिया वाली डॉक्टर ममीता की वीडियोस देख ली, एक दो और कराची में जो ये हुआ है इंसिडेंट उसकी वीडियो देखी। ऐसा यानी कि अजीब सा परेशानी से दिमाग के अंदर बैठ गई, नींद ही उड़ गई, नींद ही नहीं आई। परसों रात को भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, सोने के लिए लेटी हूँ और डॉक्टर ममीता की मैंने एक वीडियो देख ली, तो बस तफ़िरुल्लाह सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह वैसे ही उठ के स्कूल गई थी, और आज फिर ऐसा हुआ है, ऐसे ही टिकटॉक देखने लगी। चलो लेटते लेटते सो जाऊँगी, देखते देखते सो जाऊँगी, और नींद क्या आई थी, उल्टा नींद सारी उड़ गई। और बस अल्लाह पाक, अल्लाह अमीर गरीबी तो खैर अपनी जगह है, अल्लाह पाक किसी के घर में कोई परेशानियाँ ना दे। जो कराची के अंदर इंसिडेंट हुआ है, अल्लाह पाक अल्लाह सबको ऐसे बाकायद से महफूज रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ रखें, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमा दें। एंड फ्रेंड्स, अभी कल आ गई है हमारे घर में एक सरप्राइज पार्टी। नाखून में बाल कैसे हुए? वो नेल कट हुआ होगा ना, जो बच्चे मिल्क पीना छोड़ देते हैं उनके नेल्स वीक हो जाते हैं। मिल्क नहीं ना पीती आप, इसलिए आपके नेल वीक हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, कल आ रही है एक सरप्राइज बर्थडे, तो उसकी हिब्बा ने तो गिफ्ट पैक भी कर लिया। हिब्बा दिखाएं, ऐसे दिखा दे पैकिंग में, ठीक है? ये फ्रेंड्स, हिब्बा ने गिफ्ट पैक कर लिया है। एंड हिब्बा ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाली हैं चीज़ें खाने पीने की, और एक और सरप्राइज गिफ्ट है, वो आपको बड़े वाले दिन ही यानी कल परसों पता चलेगा, यानी है तो कल, लेकिन सारा कल करती है परसों करती है, अब ये उस पर डिपेंड करता है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या दूँ, अम्मी ने तो डिसाइड कर लिया है। अम्मी क्या दे रही हैं? पैसा दूँगी मैं, पैसा दूँगी फायदा। सही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या दूँ, मैं उसे कॉल करके पूछ लूँगी। फ्रेंड्स, यानी ईशा की बर्थडे है, तो हम जरा सरप्राइज प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको क्या क्या गिफ्ट्स दें। जी आप उसको दे देना। ड्रेस तो गुड़िया माशाल्लाह उनकी मामा इतने ले आती हैं, ड्रेस तो मैं नहीं दे रही। ईशा ज़्यादा कैश से खुश होती है, या फिर मैं उसको कैश दूंगी या फिर उससे पूछ लूँगी। एक तो पूछ लो तो वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बताती है कि मुझे गाड़ी दे दें, मुझे बाइक दे दें, पता नहीं क्या क्या, दो दो लाख रुपये के खर्चे बता देती है। इसलिए मैं चुप करके उसको कैश दे दूँगी, या कोई देखूँगी जो समझ में आए वो दे दूँगी, मैं कहीं से भी मशवरा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है, खाने की तैयारी वगैरह करनी है। मामा मुझे रोकना मत, मैं पिक बाइक खेलने जा रही हूँ, तो एक तो मैं सो गई थी। अच्छा, एक तो हिबा बाल बनवा ले, मैंने अपने भी बाल बनाने और आपके भी बाल बनाती हूँ अच्छे से, और घर के सामने रहना है, घर से आगे पीछे नहीं जाना है आपने, पार्क में भी नहीं जाना है, कहीं भी जाओ मुझे बता के जाना, ओके? घर के आगे रहना है। फ्रेंड्स, अभी मैं सारा कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, और उसके बाद भी व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, एंड हिबा ने इतने खूबसूरत फ्लावर बनाए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। दिखाएँ हिबा फ्लावर्स है, दिखा देना। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर्स पता है फ्लावर किसके कलर्स क्या हैं? रेड, पिंक, ब्राउन, पिंक, ब्राउन, पिंक, ब्राउन, मिक्स पिंक। ओके, फटाफट ये बता दें कि आपने बनाया कैसे? सही है, ब्राउन पिंक वाला सारे स्लाइम के, और नीचे की चीजें भी स्लाइम के, बस ये ब्लैक कपड़े से बना है। अब एक दफा क्लियर कट दिखाएं इसके अंदर, अभी हिबा इसके एक दफा क्लियर कट दिखाएं, टेबल पे रखें, यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यानी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हिबा में, माशाल्लाह आर्ट है। मुझे मेरा तो माइंड में आता है कि बड़ी होगी ना इसको एनसीएम एडमिशन करवा देंगे, क्योंकि अच्छा खासा इसका ना क्रिएटिव माइंड है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब इसने खुद ही ये देखे स्लाइम से बनाई है, और बहुत नीट बनाए फ्लावर्स। ए
एंड फ्रेंड्स यहाँ पे साथ साथ चल रही है रात के खाने की तैयारी भी, चाइनीज राइस में बना रही हूँ। आलू अभी गले नहीं है, थोड़े से आलू गल जाए फिर इसमें चावल डाल के, एंड ये ग्रीन क्या कहते हैं इसको, और ये ब्लैक पेपर डाल के इनको रख दूंगी मैं। एंड गनी के लिए शामिल के बाद फ्राई करने, क्योंकि गनी को आजकल चावल का ज़रा परहेज है, उसको फ्लू हुआ है ना तो ज़रा चावल का परहेज कर रहा है। जी खाने में बन रहे हैं चाइनीज राइस। फिर मज़े क्या होते हैं खाने के नाम पे, मुँह नहीं बनाया करो। अच्छा मज़े क्या होते हैं ना, मेरी फेवरेट डिश है, बहुत मज़े गए थे फ्रेंड्स। अभी खाना वगैरह बना लूँ ना, दोपहर को मैं सोई नहीं हुई इसलिए खाना मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अभी हुए हैं 7:30, लेकिन खाना बस यानी कि मसाला वगैरह बन गया, इसमें चावल डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि रात को मुझे जल्दी नींद आएगी और थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ना हो, इस वजह से टाइम पे सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड गनी इन फाज़ा फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। टमाटर बड़े मज़ेदार, टमाटर बड़े मज़ेदार। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय।